अज अगर असी साबर मानते हैं ना, ये कमाल साडा नहीं, ये उन्हों का कमाल है कि जिन्हें देख के असी साबर बन गए हैं कि यार जो सू हौसला मिलता वो मेरे नबी की आने यार हौसला किया, असी तो पैरोकार हुमती हैं, सानू भी करना चाहिए। तो फिर वो सानू हिम्मत अता कर, वो ताकत देंगे सानू, फिर जो असी सबर कर लें फिर वो सानू मकाम और मंजिल भी अता करते। जिस तरह मैं ये गल सुनाई सी कि जो ये होर जो शामिल होया करबला इहदा बेटा नाल आया एक गुलाम, हुण सिपा सलार सी उस वेले वो जदीदी फौज का, तो हज़रत इमाम हुसैन की कह रहे हैं गाजी अब्बास सरकार नूं कि अब्बास इस्तकबाल तू करना है, दुनियादार का उम्मती की गल हो रही है और मकाम जी दे रहे हैं मेरे नबी का नवासा कि होरे का इस्तकबाल होरदा अब्बास तू करना, क्या ठीक है आका। कि अली अकबर अपने बेटे को सरदार फरमाते, अली अकबर होरदे बेटे का इस्तकबाल तू कर, ते इमाम अली अकबर फरमाते आका ये जिहड़ा गुलाम है इहदा इस्तकबाल नाल आ रहा, इहदा इस्तकबाल कौन करेगा? तो सरकार फरमाते उहदा इस्तकबाल मैं करांगा। अंदाजा करो कि गुलामा ना मेरे नबी दी ए आल दी मुहब्बत, कि गुलाम दे इस्तकबाल लई हुसैन जा रहा। तो ऐसे मेरी नबी दी आल उहदे वास्ते सानू अगर असीं कोई शख्स भजन करे मसलक बेचते किसी के अपने अनाह वास्ते नहीं, उन्होंने जो किया वो सिर्फ और सिर्फ साड़ी उम्मत लिए साढ़े लिए किया, उन्होंने अपनी जात लिए नहीं, उन्होंने जात लिए अगर होंगी तो जिन्हों की नॉमीनेशन अल्लाह ने दुनिया से कर दी कि तुम इन्होंने चीज़ों के बारे में, तो उन्होंने की जरूरत ताकत। मैं तुम्हें दस नहीं कि बामन जोड़ा सगा है जिन्हें आखिरी एक राज सरकार का सिर अपने घर रखिया, वो औलाद नहीं होंगी सी, किसी ने दसिया कि कोई अल्लाह का नबी आ, कोई मुहम्मद जो कहता हो जाता, वो हिंदू आ गया। तो नबी पाक सल्लम सरकार हुजरे च बैठे तो बाहर हज़रत इमाम हसन और हुसैन खेलन डे, चला गया यार रसूल अल्लाह, कहते कि तुम अल्लाह को, मैं मुसलमान नहीं, कि अल्लाह को जो मंगते अल्लाह दे दिंदा, मेरे औलाद नहीं, मेरे औलाद हो जाए तो सौ साल उसकी उम्र उस वे। तो नबी पाक सल्लम सरकार उन्होंने कहते भी तेरे औलाद नसीब जी है, वो बाहर आ गया। तो हम बाहर हज़रत इमाम हसन और हुसैन खेलन डे, तो बाहर निकल के कहता मैं तो बड़ा सुनया सदा कि अल्लाह का नबी जो कहता हो जाता, मुहम्मद जो कहता वो मिल जाता वा, तो ये तो कहना मेरे को औलाद ही है नहीं। तो हज़रत इमाम हसन कहते की चाहिए तेन, उन्हें कहा मेरे औलाद नहीं, उन्होंने कहा एक हज़रत इमाम हसन बोले दो, हुसैन कहते तीन, चार, हुसैन कहता पांच, हसन कहते छे, हुसैन कहते सत। तो नबी पाक सल्लम सरकार हुजरे जो दौड़ के आए, ये दिखन वाले ने देखा कि एडी तेजी ना आए, आके हुसैन के मुँह से हाथ रख दिता कि बस। उस वक्त सरकार की उम्र 5 साल कि बस, और उस शख्स के 7 बेटे हो। हुण कदों ये मामला होया और किन्ने साल बाद वाकया करबला हो गया। तो बड़ा लैंडलॉर्ड सी आदमी, जो सरकार ने शहीद कर दिता सर मेरे से लैके आ रहे, जो उत्थे आए थे मगरब की अजान हो गई, हूँ वह कहता भी इतने पड़ाव पा लेंगे फौज वाले जड़े सके। तो वह पता लगा, उन्हें अपने बच्चों को पूछा भी यार बाहर रौला कहदा, या दुनिया जी फतह करके आ रहे फौज सर, वो हूँ वो बच्चों को भी इलम। उन्होंने कहा कि कोई मदीने कोई मुहम्मद सगा वो जड़ा नवासा वो सिर कलम करके उन्होंने शहीद करके उन्होंने साथियों को, तो सिर जड़े है वो लैके जा रहे हैं। अपने बेटिया कहता रोको, उन्होंने रोकया, उन्होंने बारगेनिंग की, उन्होंने कहा रात इतने कटो, ये वास्ते तुम उस वक्त दियाँ 2 लाख तारीख है लिखती, 2 लाख जाए सौ अशरफियाँ जड़ियाँ उस वे चलते होंगे पैसे वो उन्होंने दिते। उन्होंने कहा पैसे तो लभ गए इन्हें की कर लेना। तो सारी रात वो जरा सर मुबारक मौला हुसैन का उन्हें अपने घर रख के वो चेहरा सरकार का साथ दिया और वो बीवी बच्चे कट्ठे हो गए। अपनी बीवी को कहता ये वो बच्चा वा जिंदी दुआ ना तेरे 7 पुत्र बचा। तो उन्हें सारी रात वो सोचते रहे, सुबह हुई तो उन्होंने सिर मर लिया।
ਅਤੇ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੀ ਦੁਆ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਵਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਵਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰਾ ਬੇਟਾ, ਤੀਸਰਾ, ਚੌਥਾ, ਪੰਜਵਾਂ, ਛੇਵਾਂ, ਫਿਰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਰ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕਮਾਲ ਕੀ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਛਤਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਗਵਾ ਲਏ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਰ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਧੜ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗਰਦਨਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦੇ, ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਰਿਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇਹ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਤਾ ਖੂਨ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੱਤੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਨਵਾਸਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਲਈ